तो आइए इस बार हम लोग आप लोग को नवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम लोग आप लोग को दर्शन कराते हैं वृंदावन के वैष्णो माता मंदिर, जो कि वृंदावन के वैष्णो माता मंदिर के बारे में आप लोग को बता दें तो ये 141 फीट ऊंची प्रतिमा है जो कि 2013 में बनके तैयार हो गई थी। तो चलिए आज हम लोग आप लोग को इस मंदिर के अंदर दर्शन कराते हैं। तो इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आप लोग को मंदिर के गेट के सामने ही बगल से ही आप लोग को मिल जाएगा लॉकर, जो कि यहाँ पे आप लोग अपना कीमती सामान जमा कर सकते हैं, जो कि इसके लिए आप लोग को यहाँ से बगल से ही काउंटर पर से पर्ची कटवा के फिर उसके बाद आपको अपना सामान वहाँ पर ले जाके जमा करना पड़ता है। तो आइए अब हम आप लोग को मंदिर के अंदर ले जाकर दिखाते हैं। मंदिर के अंदर जाने से पहले आप लोग को मंदिर के ऊपर हम लोग बता दें और दिखा दें। तो मंदिर के ऊपर मतलब बाहरी भाग मतलब ऊपर जो कि बाहर से दिखने वाला आप लोग को बता दें, तो बाहर से दिखने का एक माँ दुर्गा की 141 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, जो कि बनने में भी बहुत ही खूबसूरत है। और उसके बगल में अपने हनुमान जी बैठे हुए हैं और उसके बाद इनको मतलब ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी नवरात्रि के ऊपर से हम लोग आए हुए हैं, तो नवरात्रि पे पूरा सजा हुआ है। और जो कि आप लोग को अभी हम लोग ले चल के गृहगर्भ दिखाते हैं। गृहगर्भ में आप लोग को दिखा दें तो गृहगर्भ के अंदर बहुत सारी देवी देवताओं की वहाँ मूर्तियाँ हैं। ऊपर से वहाँ पे माँ दुर्गा की अष्टभुजा के रूप में माँ दुर्गा की वहाँ पे प्रतिमा है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस मंदिर से गृहगर्भ से बाहर निकलते ही आपको एक साइड यमुना जी की मूर्ति, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, और एक साइड गंगा जी की मूर्ति, जो कि मतलब पानी के अंदर बनाया गया है। इसको ऐसे डेकोरेट किया गया है कि जैसे लगता है कि साक्षात गंगा जी और यमुना जी बह रही हैं, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है। इसके बाद आइए हम लोग आप लोग को ले चलते हैं पर्वत के अंदर माता रानी के नौ स्वरूप दिखाने के लिए। इस पर यहाँ पे माँ वैष्णो माता मंदिर के ही अंदर जो धाम है यहाँ पे, इसी के अंदर आप लोगों को पर्वत के अंदर माता के नौ रूप मिल जाएंगे, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बनाया गया है। और पर्वत को जैसे एकदम ऐसे डेकोरेट किया गया है जैसे आपको सच में लगे कि आप पहाड़ियों के अंदर, मतलब आप कटरा वाली फीलिंग लेने के लिए आप लोग बनाया गया, जैसे कटरा की माता वैष्णो देवी पहाड़ों के अंदर रहती हैं, वैसे यहाँ पे नौ देवियों को पहाड़ों के अंदर बनाया। नौ देवियों के साथ अपने भैरव भैया भी हैं, जो कि आप लोग को दिखाते हैं नौ देवियों का स्वरूप। यही सब था इस ब्लॉग के लिए। मिलते हैं आप सभी लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।